सबसे छोटी हूँ, सबसे छोटी है, सबसे छोटी। आपको लगता है कि सबसे छोटे होने की वजह से बाबा ने आपको ही दादा आगे किया म्यूजिक में, या दूसरे बहन भाई भी म्यूजिक नहीं में? नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि बाबा ने किसी को आगे किया या किसी को आगे नहीं किया, बाबा ने सबको ही आगे किया। म्यूजिक सबको सिखाया? हाँ, सबको ही सिखाया। जैसे वो बिठाते थे तो सभी को बिठाते थे सिखाने के लिए। ऐसा नहीं होता था कि भाई बड़े को सिखा दूँ, ये छोटा बाद में सीख नहीं, लेगा। मतलब एक होता है ना कि देख के कि जी इस बच्चे में मेरे ज्यादा टैलेंट है, ये वाले जरासीम मेरे वाले हैं कि जी सिंगिंग कर सकती है, ये कर सकता है। हाँ, वो क्या कहते हैं, भाई में भी उनको नजर आते थे, एक मेरी बड़ी सिस्टर है उनमें नजर आते थे, कुछ मुझ में नजर आते थे, इस तरह से था बस। इस तरह से? हाँ, इस तरह से, मतलब ये चलता ही रहा। कि लेकिन क्या कहते हैं, प्रॉपर उनको, क्योंकि वो प्रॉपर सीखे हुए पूरा क्लासिकल, उनको ये पता था कि ये भी छोटी है, ये भी इतना आगे नहीं जा सकती, तो इसके अंदर टैलेंट है लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ब्रेक लगाए रखे तो बेहतर है। पहला कोई गाना याद है, परफॉर्मेंस, कौन सी परफॉर्मेंस की थी स्टेज पे? पहला गाना मैंने, हम लोग तो वो गाते थे एक गाना, इंडियन सॉन्ग है वो, थोड़ा सा गुनगुना के दिखाएगा ताकि आपको भी याद हो जाए कि आपने बचपन में कौन सा गाना गाती थी ज्यादा। बिल्कुल, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं वो याद दोबारा ताजा करूँ। थोड़ा सा गुनगुना के दिखाइए। जिंदगी मिलके बिताएंगी, हाली दिल गा के सुनाएंगी, हम तो साथ रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। क्यूट, फैमिली ओरिएंटेड गाना, सत्ते पे सत्ता का गाना सत्ते था ये, सत्ते। इतना फेमस गाना, और फिर वो गाना, फिर मजा आता होगा, एंजॉय करते होंगे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मजा आता था। अच्छा, जब इस फील्ड में आने का सोचा कि चलो सिंगिंग में करूंगी, क्योंकि आप माशाल्लाह मैरिड भी हैं जी, तो शादी से पहले का था प्लान कि अब मैं थोड़ा सिंगिंग की तरफ? नहीं नहीं नहीं, असल में ऐसा हुआ, जब हम लोग का ग्रुप, सबकी शादियाँ हो गई और फिर ग्रुप भी जाहिर से बात है बिल्कुल वो हो गया, और मेरी भी, जब मैं लास्ट बची तो मेरी भी शादी हो गई, तो फिर एक हाउस वाइफ प्रॉपर एक घर की तरफ रुझान हो गया। लेकिन एकदम किचन में गुनगुनाते गुनगुनाते मुझे ख्याल आया कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, क्योंकि भाई तो कह ही रहे हैं, लेकिन मुझे ही हुआ कि मैं खुद ही, मतलब अपने ही उसमें हुआ, अरे मैं तो गा सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं गा रही हूँ। तो बस किचन में खाना पका रही थी और बस गुनगुना रही थी, बस ख्याल आया और बस फैसला कर लिया। अच्छा, किचन में जब गाते हैं अक्सर हम भी होते हैं, कभी बाथरूम में होते हैं तो बाथरूम सिंगर्स कुछ होते हैं, मतलब बाथरूम सिंगर भी होते हैं, किचन में होते हैं तो किचन में कोई, मतलब एक गुनगुनाते हुए गाना, जैसे मैं यहाँ तैयार होती हूँ तो कोई ना कोई गाना दिमाग में गुनगुनाती हूँ, किचन में कोई खास गाना है आपका गाने से पहले जो होता है अक्सर किचन में जाते याद आ जाता है फौरन? किचन में जाते हुए गाने तो बहुत सारे याद आते हैं मुझे, जैसे कि आजकल लेटेस्ट कौन सा गाना चल रहा है किचन में? किचन में, किचन में लेटेस्ट गाना बहुत चल रहा है, वो क्या कहते हैं, वो वाला राहत का गाना है वो, किचन में राहत फतेह अली खान को याद कर, पता नहीं क्यों किचन में याद आता है वो। मुझे okay, मुझे असल में मेरे बहुत फेवरेट हैं। हाँ जी, मुझे बहुत पसंद है राहत फतेह अली खान, और मैं उनकी, मतलब यूं कह लें कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कभी मिलना हुआ उनसे? अभी तक तो नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो अक्सर यहाँ पे उनकी ट्रिप्स लगती हैं। हाँ, जो उनके अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अच्छा, अगर जब मिलेंगे तो कौन सा गाना गुनगुनाएंगे? उन्हीं का फेवरेट जो आजकल किचन में भी गुनगुनाती है। हाँ, मेरे हस्बैंड बड़े ना मान जाए, अगर वो लाइव देख रहे होंगे तो वो कहेंगे अरे ये क्या, मैं उनको डेडिकेट कर दे। हाँ, मैं उनको कर सकती हूँ, ये भी बात सही कही है आपने। मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बाजू लग दाजी। Amazing, most favorite song, मेरा ही बहुत ज़्यादा favorite है। लेकिन एक चीज़ मैं सोच रही थी कि जब ये किचन में गाते होंगे, किचन चिकन भूनते हुए मैं तेनु समझावा कि, तो चिकन आगे से अगर जवाब किसी दिन दे दे तो फिर क्या होगा? चिकन ने बहुत दफा जवाब दिया है, चिकन अक्सर खराब हो जाता है। गाना सुन के या पकते हुए?
गाना सुनते हुए भी और पकते हुए भी। अच्छा जब गाना आपने शुरू किया क्योंकि हंसी मजाक तो मैं तो छेड़छाड़ लगा ही रखूंगी कब से शुरू से ही आपके साथ। नहीं अच्छा है, मेरी सुबह बहुत अच्छी हो गई, आंखें खुल जाएंगी।